ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वाज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। His behavior was beyond my understanding. तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। You girls are beyond my understanding. You girls are beyond my understanding. तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। Your talks are beyond my understanding. Your talks are beyond my understanding. कसम से मैंने जो भी कहा सच है। आई स्वेयर वट एवर आई सेड इज ट्रू। आई स्वेयर वट एवर आई सेड इज ट्रू। कसम से मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर आई विल नॉट लीव हिम टूडे। आई स्वेयर आई विल नॉट लीव हिम टूडे। कसम से मैं वहां नहीं गया था। आई स्वेयर आई डिडंट गो देयर। आई स्वेयर I didn't go there. कसम से मैं शराब नहीं पीता। I swear I don't drink alcohol. I swear I don't drink alcohol. कसम से मैं उसे नहीं जानता। I swear I don't know him. I swear I don't know him. ये सारे सेंटेंस सीखने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आपको ये बताना है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जितना हंसना है हंस लो। लाफ एज मच एज यू वांट। लाफ एज मच एज यू वांट। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। मेक फन एज मच एज यू वांट। Make fun as much as you want. जितनी गाली देनी है दे लो। Abuse as much as you want. Abuse as much as you want. जितना खाना है खा लो। Eat as much as you want. Eat as much as you want. जितना सोचना है सोच लो। Think as much as you want. Think as much as you want. पानी को पहुंचने के लिए मुझे एक कपड़े की जरूरत है। I need a cloth to wipe this water up. I need a cloth to wipe this water up. Means इस पानी को पहुंचने के लिए मुझे एक कपड़े की जरूरत है। हमें गरीब लोगों को कपड़े देने चाहिए। We should clothes poor people. We should clothe poor people. Means हमें गरीब लोगों को कपड़े देने चाहिए। मैं अभी अपने कपड़े पहन रहा हूँ। I am just putting my clothes on. I am just putting my clothes on. Means मैं अभी अपने कपड़े पहन रहा हूँ। I am just putting my clothes on. सर्दियों में हमें भारी कपड़े पहनने चाहिए। We must wear heavy clothing in winter. We must wear heavy clothing in winter. कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। Never mind, I will handle. Never mind, I will handle. Means कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। Never mind, I will handle. कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। Never mind, I will manage. Never mind, I will manage. कोई बात नहीं, मैं स्वयं इसे मैनेज कर लूँगा। Never mind, I will manage myself. Never mind, I will manage myself. वह खेलने में लगा हुआ है। He is busy in playing. He is busy in playing. वह क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है।
He is busy in playing cricket. वह फ्री फायर खेलने में लगा हुआ है. He is busy in playing free fire. वह रुक रुक कर बोलता है. He speaks intermittently means वह रुक रुक कर बोलता है. रुक रुक कर बारिश हो रही है. It's raining intermittently. हवा रुक रुक कर चल रही है. The wind is blowing intermittently. गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.